टू फैमिली, तो वेलकम है आप सभी का रश्मि चौधरी के ब्लॉग में। तो उम्मीद करते सब लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। सो सॉरी गाइस, 3 दिन से मेरा ब्लॉग नहीं आ पा रहा था, उसका रीज़न मैं अभी बाद में बताऊँगी, अभी फिलहाल नहीं, अभी क्योंकि मैं जा रही हूँ मंदिर पूजा करने के लिए, बिकॉज मंडे है। सो मेरा फास्ट है और मेरे साथ जा रही आज कोमल, क्योंकि कोमल मेरे पास ही रुकी हुई थी। सो हम लोग जा रहे हैं अभी मंदिर और उसके बाद फिर पूजा वूजा से फ्री होने के बाद मैं फिर बताऊँगी कि मैं क्यों 3 दिन से मेरे ब्लॉग्स नहीं आ रहे थे, क्या क्या हुआ मेरे साथ इन 3 दिनों के अंदर। सो बस चलिए अभी चलते हैं और बाद में मिलते हैं। तो पहले आ गए हैं हम यहाँ पे पूजा की दुकान पे, यहाँ से हमने सामान ले लिया है। दूध सामने मिलेगा। ये लड़की पता नहीं कहाँ लेके जा रही है। ये तू मेरा किडनैप तो नहीं करने वाली है? गाइस ये मेरा किडनैप करने वाली है। ये देखो बारिश आ रही है हल्की हल्की। सो आप देख ही रहे हो दूर दूर तक कोई भी नहीं है यहाँ पे। देखो टूटा फूटा रास्ता है, जंगल है और ये पता नहीं कहाँ लेके जा रही है, जो मैंने आज तक मंदिर नहीं देखा। आगे देखे फोन में देखे नहीं, नहीं तो अभी मुंह के बल गिरेंगे, मुंह टूटेगा यहीं पे। सो गाइस हम दुपट्टा उड़ता जा रहा है। हाँ यार मेरे से नहीं संभलता है, मैं सूट सिलवाना बहुत परेशान हो जाती हूँ। और मेरा ना जो ये जो सूट पहना है ना, मैंने इसका दुपट्टा ना बहुत हैवी वाला है, तो मैंने वो नहीं पहना, मैंने यही ले लिया हल्के वाला। ये भी कोई हल्का नहीं है बट सर पे रुकता नहीं है। जंगल में लेके जा रही है मुझे सुबह सुबह। आज मैं इसको बोलनाथ का दर्शन कराऊंगी, साक्षात जंगल। सही है यार, बहुत जरूरत है उनकी। हाँ और इसके साथ अलग बात है, मैं खुद जिस बात का मुझे दुख था, कोमल ने एक काम तो अच्छा कर दिया है, एक खिलाएंगे। हाँ एक काम तो तूने बहुत अच्छा कर दिया, अभी आते टाइम पे खिलाएंगे। मेरा बहुत ये होता था कि मैं गाय को मतलब चारा खिलाऊँ या कुछ भी, जो सुबह सुबह रोटियाँ होती। अच्छा यहाँ पे मंदिर, ओके। जबकि पता है हम लोग यहाँ से डेली से वॉक करके निकलते हैं तो भी नहीं पता। सो आई एम सो हैप्पी। इधर नहीं घास का घास लड्डू गेहूँ का छिलका लड्डू उधर हम गाय को खिलाएंगे अभी। उनके लिए भी वो देते ना चावल है, वो जो भी कबूतरों को खिलाते हैं। है ये चल कोई नहीं, आज जितना भी उतना नेक्स्ट टाइम आके। वो देख ड्रामे कर रही है, मत गिराना प्लीज। आगे खिला दे, ले ले आगे खिला दे, नहीं खाएगी रहने दे, मार देगी, कह रही हट जाए। इनके लिए ना घर से रोटी या आटा बना के लाएंगे, वो खाएंगे, ये तो ये खा खा के पक जाएंगे। वापस से चला चला वापस से। परेशान कर रही है, हैं? परेशान कर रही है, शर्म नहीं आती तुझे? भाई हमारी हो गई है पूजा और फिर हम वो कभी देखा नहीं है ना किसी ने, है? अभी पता है क्या, इसका मुंह तोड़ दिया है इसलिए ऐसे डर रही है, मतलब छुपा रही है, मुंह खराब हो गया इसका। अभी सब खराब हो गया इसीलिए तुझे मैंने रोक लिया है। तो आज सच में अच्छा लगा कि मतलब इस चीज़ की मुझे बहुत कमी खलती थी, क्योंकि लास्ट मंडे को ना मैंने रोटी निकाली थी गाय की, बट थी ही नहीं कहाँ से खिलाती, तो वो वेस्ट हो गई।
और बट अब मुझे पता चल गया, तो अब तो मैं डेली भी या जब भी रोटी बनाऊंगी तब आना ही आना है। और यहाँ पे कबूतर भी है, दोनों है, बेस्ट है। ये भी कोई पेड़ काट रहा है, टूट गया था, काट रहा है शायद। अरे आगे वाला पेड़ इतना बड़ा था, इससे भी बड़ा, पूरा टूट गया, गिर गया था। तो गाइस अब बस हम घर जा रहे हैं, दूध लेंगे और जाके चाय पियेंगे। चाय, मेरे घर की पूजा, चाय चाय, चल चाय चाय। तो तूने मुझे बोला कि अभी घर पे जाना है, पूजा तो करने मेरे, हाँ हाँ, जोत जलानी पड़ेगी। डन डन डन। मैंने गाइस, इसने मुझे बोला ही नहीं एक बार भी, इसी ने बोला था मुझे रात को, यही भूल गई। मैंने ये बोला था, मैंने कुछ और बोला था, तूने कुछ और सुना। मैंने ये बोला था, मैंने ये बोला था, हे भगवान, कि हे भगवान, मैं मारूंगी। मैंने ये बोला था, मैंने ये, गाइस मैं आपको बताती, ये तो पागल है। मैंने ये बोला था कि सुबह, मतलब क्योंकि ये नहा के पहले अपने घर पे जाती, उठ के पहले अपने घर जाती, तो मैंने इसको ये बोला था कपड़े ले ले, नहीं नहीं नहीं, मैंने बोला था कि कपड़े ले ले, सो कपड़े लेके वहीं पर नहा लेना, पहले मेरे घर की पूजा कर लेंगे, फिर मंदिर चले जाएंगे, फिर तू मंदिर से अपने घर आके पूजा करके फिर वापस आ जाइयो, मैंने इसको ये बोला था। अब मेरे इसके घर की आरती साथ में है, तो मेरे घर की आरती भी साथ में होगी। डन। तो उसके बाद फिर तेरे घर पे चाय पियेंगे। दूध है कि नहीं है? ओके, देख तेरे वेलकम करने के लिए खड़े हैं ये। तेरा वेलकम के लिए, वेलकम वेलकम वेलकम। गई जा पीछे बेटा, गई, ये पता चले मेरे पे हमला कर दिया। तो गाइस अभी हम जा रहे हैं उसके रूम, तो अभी हम जा रहे हैं डीमार्ट, क्योंकि मेरे घर पे राशन नहीं है, तो अभी सोचा कि घर के पास में डीमार्ट है, जाके वॉकिंग डिस्टेंस ही है, तो ऐसे ही जाके ले आते, चल के थोड़ा बहुत लेके आना है बस, सो जाते हैं डीमार्ट। सो अब मैडम की शॉपिंग स्टार्ट हो गई है, अब मैं कुछ बोल नहीं रही, लेकिन ये मजबूर कर रही है बोल बोल के, तो देख ही लो तुम एक बार। गाइस क्यों कट करेंगे, तुम कट करोगी? यार मेरे कल से लगे जा रही है, पता नहीं क्यों, ये इसको बोलो खाली घूमना नहीं होता, डीमार्ट में कुछ लेना भी होता है। क्या बकवास कर रही है? तेरी तरह कर रही, तुझसे ही सीख गए। आटा लेना है, आटा लो, आटा तुम तो बोल रही थी पिसवाना है हमें आटा, यार लेके रखना तो पड़ेगा ना, तो हाँ थोड़ा ले ले, मतलब लोग आते हैं, रखना तो पड़ता है ना, हम खाएं मल्टीग्रेन ले लेना। क्या लेना है तुझे कोमल, क्या लेना है? अच्छा ऐसा है क्या? ओके, सच में जीजा कौन है? बताना नहीं है सबको। यार मुझे तो मिला दे, मैं ही नहीं मिली। ए सब्जी भी तो लेनी है, क्या ले? आलू तो ले ले। ये फास्ट का मेरी चाय, मैं भी नहीं, हमारे हम तीनों लड़कियों फास्ट है, थोड़ा स्लो हो गई रहना।
वही सर। दुनिया को हम नहीं बदल सकते, खुद को ही बदल सकते, लेकिन हम तुम लोग की बुराई नहीं कर सकते। सो गाइस, अभी ना बहुत फनी चीजें हो रही हैं जब से मैं यहाँ पे आई हूँ। पहले बहुत चीजें हुई, अभी सबसे बड़ी बात, अभी पहले अपने भाई की तरफ कैमरा करती हूँ, उसके बाद ए दोनों भी दोनों ढंग से बैठो, ए संदीप। इसने मुझे घर से बुलाया है कढ़ी बनाने के लिए स्पेशल, कि मेरा कढ़ी खाने का मन कर रहा है तो आके कढ़ी बना दे। तो रोहित चौधरी, आपने क्या किया? मतलब कढ़ी बनाने के लिए बुलाया है और दही ही नहीं है घर में। My mistake. So guys, मतलब मेन दही था, दही ही नहीं है घर में, और मुझे स्पेशल घर पे मैसेज किया कि घर पे यहाँ पे आ जाओ, मेरे लिए कढ़ी बना दे, ठीक है, क्योंकि मैं तो अपना फास्ट वाला बनाऊंगी कुछ और, तो इसलिए कढ़ी बनाने के लिए मैं यहाँ पे आई हूँ, और भाई साहब ने दही ही नहीं मंगाई है। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा, ऐसे ही काम करो, तरक्की होगी। सो बस अभी वेट करते हैं, अभी भाई साहब ऑनलाइन ऑर्डर कर रहे हैं, फिर आएगी तब बनाएंगे। हमारा हो गया यहाँ पे फास्ट का खाना रेडी, जो कि मैंने बनाया है आलू गोभी सब्जी पराठा रायता, और इसका है सवा की चावल, क्योंकि इसके यहाँ पे खाना नहीं खाते है। सॉरी गाइस, थोड़ी लाइट कम है, काम चला लेना। और बदेगर, सो आज मेरी तरफ से तुम्हारे बर्थडे का डिनर, सिंपल सिंपल। यस, सो गाइस पहले खाना खा लेते हैं, एंड उसके बाद फिर जिया लेके जा रही है हमको मूवी दिखाने। ये गाइस देखो, गर्ल्स ऐसी है, चलो आगे। अरे अभी आगे मिलेगा। गाइस देखो, हम लड़कियां ऐसी होती हैं,